नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमसे बहुत लोग जानकारी चाह रहे थे। हालांकि जानकारी देना भी चाहिए, क्योंकि उसमें हम जानकारी देने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन लेट क्या हुआ, आपके पास टाइम है अभी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं देव दीपावली को लेकर क्योंकि बहुत से लोग जो है बनारस का देव दीपावली देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि देव दीपावली क्या होता है, या फिर पता है तो देव दीपावली बनारस में कैसे मनाया जाता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और देव दीपावली कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, कौन कौन आ रहे हैं, कितने दिए जो है जलाए जाएंगे, उनकी सारी जानकारियां हम आपको देंगे। और देव दीपावली का हम पूरा वीडियो भी अपलोड करेंगे, अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको यहीं से पूरा दिखाएंगे देव दीपावली। कैमरा बड़ा अच्छा है, ये गोरा है। तो अभी मैं अभी दूसरे का फोन पे बना रहा हूँ ना, इसलिए बढ़िया साफ आ रहा है। तो देखिए, इस बार का देव दीपावली जो है 19 तारीख को मनाया जाएगा बनारस में। बहुत ही भव्य देव दीपावली मनाया जाता है, ये आपको पता है, बनारस काशी में। और इस बार देव दीपावली में माननीय प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और भी अन्य मंत्रीगण, सांसद वगैरह सभी लोग आ रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी हीरोइन हस्ती होती हैं सब अपना जलवा बिखेरने के लिए आती हैं। बाकी सब भोजपुरिया वालों को तो कोई पूछो नहीं करता, आयोग बुलाता है, सब अपना नाचते गाते रहता है इसी में। तो ये हो गया आपको कौन कौन आ रहा है, किस का आगमन है। दूसरी बात ये कि क्या कहने वाले थे कि हाँ, इस बार 15 लाख दिए जलाने वाले हैं लोग। तो अनुमान ऐसा है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। हालांकि वो दिए कौन गिनता है कि 15 लाख है कि 10 लाख है, लेकिन कहने का तो है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे। हालांकि जलाए भी जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 लाख दिए जलाए जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर जलाए जाएंगे। और दूसरी जानकारी ये है कि आपको जाना कैसे है। तो देखिए, जो देव दीपावली जो मनाया जाता है ना, वो बनारस में 84 घाट है, तो 84 घाटों पर दिया आप जला जाता है एकदम भव्य। हर घाट में मतलब एकदम मार दिया, इतना डिजाइन बना के कुल सजा रहता है ना, एकदम देख के दिल धक धक करने लगता है। मतलब बहुत इट्स बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। और प्लस लेजर लाइट सोर्स होते हैं, मतलब लेजर पिक्चर नहीं होता जो चुबुक चुबुक वाला जो कहीं से घूमता है लाइट, गूगल भी रहता है और कई सारे, मतलब बहुत बेहतरीन होता है। तो अगर आप बनारस में हैं तो बिल्कुल आप 19 तारीख को आइए देव दीपावली देखने के लिए। अगर आप बाहर हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको वीडियो वगैरह पोस्ट करूंगा, मैं देव दीपावली को कोशिश करूंगा क्या जाऊंगा ही देव दीपावली को, बनारस में रहूंगा, बढ़िया एकदम पूरा ब्लॉग बनाएंगे। मेनी लेडीज विल बी अगल बगल माई पेज जो है मेम्बर्स, दे विल डिस्क्राइब द देव दीपावली, सो यू विल फील हैप्पी एंड यू विल जो है मतलब बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपको। दूसरी बात ये बताना चाहते थे कि आप देव दीपावली में जाएंगे कैसे। तो देखिए, आपको देव दीपावली में जाना कैसे है, आप अकेले, हम तो कोशिश यही कहेंगे कि आप अकेले ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें कुछ अनहोनी हो गया तो दिक्कत है। तो आप अपने किसी दोस्त को, जैसे आपका कोई मेल फ्रेंड हो, मेल फ्रेंड तो आजकल सबका ही होता है, कौन आजकल सिंगल घूमती है, कुल तो भैया तो जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, मेल महिला मित्र, क्या बोल रहे हैं यार, अगर आपका कोई मेल मित्र हो उसके साथ आप चले जाइए, अगर आप लड़की हैं तो। और या तो आपका लड़कियों का ग्रुप हो, एक दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, तो जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कुछ, मतलब सेफ्टी पर्पज से बस एक मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी रहता है, लेकिन फिर एक होता है ना कि आदमी को सिक्योर रहना चाहिए, तो गर्ल्स यू मस्ट बी सिक्योर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर आप मतलब किसी के जाते हैं ऐसा, कुछ भीड़ बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत भीड़ होता है, मान लीजिए उसमें कुछ दबा गए कोनो उसी में निकल ही नहीं पा रहे, तो क्या करिएगा। तो कोई दोस्त वगैरह रहता तो अच्छा है ना कि आप मतलब उसके साथ निकल जाइएगा या उसको सपोर्ट करेगा। तो ये हो गया आपका जाने का। दूसरी बात, अपने सेफ्टी मोबाइल पर्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा चोरी वोरी होता है। हम तो जाली तो एकदम दिन भर हथौड़े डाले रहे, वही में कोई निकाल ना पावे। अब लोअर वोअर पहनब तो एकदम टाइट लोअर पहनब, चैन वाला, चाहे पर्स भी रहेगा तो मतलब चैन वाला पहन लीजिए, चाहे जींस पहन के जो अंदर रहे, काहे कि पॉकेट वकेट मार लेते हैं सब देर से, तो ये सब भी चोरी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि चोर तो हर जगह मिल जाते हैं, चोर कटौन तो का हर जगह कुल मिलियन सरवाए कितने से बचेंगे ना पड़ी। तो अपना सेफ्टी का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओ माई गॉड, टाइम कम हो रहा है क्या? नहीं, सही है, हमको लगा कि टाइम या वीडियो कम हो रहा है। और दूसरी बात, ये आपको जाना कैसे है ये हम बता दिए, किसके साथ जाना है ये भी हम बता दिए, सेफ्टी बता दिए, हर चीज बता दिए। और आपका सवाल ये हो सकता है कि बोट बुकिंग वगैरह कैसे करना है। तो देखिए, आप वहां पर जाइएगा ना तो नाव वाले बहुत ज्यादा लूटते हैं, क्योंकि अगर आप देव दीपावली तो भक्कम लूटते हैं साला, मतलब बहुत अथाह। अगर आप नए हैं बाहर के आए तो आपको तो लूट के तो कौवा बना देंगे, तो इसलिए जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी को नाव वगैरह बुक करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप जो है डिटेल्स दे दूंगा, वहां से आप नाव बुक कर सकते हैं जेन्युइन रेट में।
बाकी देव दीपावली के दिन बड़ी लूट उट मचता है, एकदम नाव वाले राजा हो जाते हैं, मार पैसे पैसा अरे सरवा। और ये हो गया आपका नाव बुकिंग का, क्योंकि नाव पर बैठ के पूरा घाट घूम सकते हैं ना पूरा आगे तक, तो वहां आप घाट वगैरह घूम सकते हैं, घाट आट देख लीजिए, देव दीपावली के दिन एंजॉय करिए, अच्छा लगेगा आपको, नए नए मित्र बनाइए और मेरे चैनल को जो है थोड़ा बहुत सब्सक्राइब करते रहे। और दूसरी बात यह है कि हम अपने जो है जो मेरे को सब्सक्राइबर है ना उनसे मैं पर्सनली जुड़ता हूँ, क्योंकि होता क्या कि मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा जो पेज है ब्यूटी ऑफ बनारस करके 24-25 हजार फॉलोअर हैं, आप उनसे पूछिएगा, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मतलब सबको नहीं, मतलब जो मुझे मैसेज करता है जो हमेशा कमेंट वगैरह करते रहता है तो उनसे मैं एकदम जुड़ा हुआ है। आप उनका वहां जाइए, आप किसी से भी हमारे बारे में पूछ लीजिएगा, मतलब लगभग सब बता देंगे। उसी तरह यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों से मैं पर्सनली जुड़ गया हूँ, क्योंकि बहुत, अब नाम नहीं लूंगा लेकिन देखते हैं ये अक्सर हमेशा हर पोस्ट पर कमेंट वगैरह करते रहते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है, आई फील वेरी जो है हैप्पी, तो अच्छा है। अब बाकी जो गाली गलौज वाले हैं वो तो देखते ही हैं, तो मैं तुरंत ब्लॉक करता हूँ, और क्या दिक्कत ही है हमको, वो टेंशन ही नहीं है। रहोगे चाहे 10 मेरे सब्सक्राइबर है, अच्छे रहे, सपोर्टिव रहे, हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है भाई। मैं एक वीडियो बना के, आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, एक वीदियो बना के एक हफ्ते बाद वीडियो बनाते थे। अरे यार फोन कर दिया, दीदी फोन मत करो, अभी वीडियो बना रहे हम। तो हम क्यों वीडियो बना रहे, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से खुशी हो रही है, लोग अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपको सुनने मजा आता है वगैरह वगैरह जो भी व्हाट्सअप, तो आई फील वेरी हैप्पी दैट, मत करो फोन, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं, वरना अगर निगेटिव कमेंट अगर हमेशा आते रहेगा तो हम कहाँ से बनाएंगे। पहले एक एक वीडियो बनाते थे, उसके बाद एक महीना दो महीने बाद बनाते थे, अब तो हर दिन डेली दो वीडियो बनाते रहे हम, कभी एक वीडियो बना रहे हैं कभी दो। रही बात रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए आप लोग हमसे पूछिएगा फोन करके तो हम क्या बताएंगे रिजल्ट कब आएगा, रिलीज जो है रिजल्ट तो एनटीए रिलीज करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो आप लोग एनटीए को साले को टैग करिए, अगर वो कुछ रिलीज नहीं कर रहा उसको टैग करिए, ट्वीट करिए, कुछ करे। हाँ ये कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट 2-3 दिन में आ जाएगा, ये कन्फर्म है कि आप कन्फर्मेशन के साथ कह दे रहे 2-3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात ये कि वीडियो के कमेंट में गाली गलौज मत किया करो, क्योंकि हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हम गाली नहीं दे रहे तो आप भी गाली नहीं दोगे, हल्का फुल्का गाली चलेगा लेकिन ज्यादा भारी भरकम गाली नहीं चलेगा, नॉर्मल गाली चलेगा। और दूसरी बात यार अच्छा अच्छा कमेंट करो, मेरी कोई कमियां तो वो मुझे बताओ कि भैया ये सुधार करिए, ये वो सुधार करिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये सब बताओ, हमको कमियां पसंद है मेरा, तुम कमी बताओगे हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन गाली मत दो, क्योंकि हमको भी गाली पसंद नहीं है, तो अब तुम्हें भी गाली नहीं देना चाहिए, हल्का फुल्का तुम दे सकते हो, ज्यादा भारी भरकम गाली नहीं दोगे भाई। बाकी जलने वाले तो जलते रहेंगे, जय हिंद जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।